एक आलू यानी कि पटेटो आपकी एज को 10 साल तक कम कर सकता है और आपको दिखा सकता है जवां और खूबसूरत। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए और फिर फ़र्क देखिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटी बार। कैसे हैं आप सब? यहाँ आपको मिलती हैं कमाल की रेमेडीज़ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल। तो दोस्तों, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपकी स्किन डल एंड ड्राई रहती है, आपकी स्किन का जो टोन है वो अनइवन है, आपकी स्किन का टेक्सचर सही नहीं है, तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है एक आलू आपकी सुंदरता को निखारने में कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है, कितना यूज़फुल हो सकता है? आज मैं आलू से एक एंटी एजिंग रेमेडी बनाने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन से रिंकल्स को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को यंग करेगी, आपकी टैनिंग को भी दूर करेगी और स्किन को बनाएगी ग्लोई। तो आलू का ये जो फेस पैक है, इससे आपकी स्किन में रिंकल्स हो गए हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन यंग हो जाएगी, आपकी स्किन में टैन आ गया है वो भी दूर होगा, आपकी स्किन ग्लोई बन जाएगी। तो आलू से आज हम पहले बनाएंगे क्लिंजर, उसके बाद हम फेस पैक बनाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, ये फेस पैक आप यूज़ करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तो गाइस, लेट्स डू द मैजिक। तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का पोटैटो। सबसे पहले हम पोटैटो को पील कर लेंगे। तो हम इस आलू को पील कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर से इस आलू को हम ग्रेट कर देंगे। जितना पतला ग्रेट करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा फेस पैक उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रेट करते करते हम पोटैटो के बेनिफिट्स को जान लेते हैं। तो पोटैटो जो है हमारे डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करता है, पफी आइज़ को कम करता है, जो हमारी स्किन में सीबम प्रोडक्शन होता है उसको भी कम करता है, जिससे हमारे जो एक्नेज होते हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन टैनिंग जो होती है उसको भी ये रिवर्स करता है। ये एक नेचुरल ब्लीच का भी काम करता है, जो हमारी स्किन अनइवन हो रखी होती है उसे भी ये इवन कर देता है और आपकी स्किन को टेक्स्चर को बहुत अच्छा कर देता है। हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं अर्ली एज में, आपकी स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं उनको भी ये रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देता है, जिनकी सैगिंग स्किन होती है उसको ये बिल्कुल टाइट कर देता है। पोटैटो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसके बेनिफिट्स तो मैं गिनाने बैठूँगी तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, इसको ग्रेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। अभी इसका जूस निकाल लेंगे, खूब अच्छे से इसका आप जूस निकाल लीजिए। अभी हमें दोनों चीज़ें काम में आएंगी, जूस भी और इसका पल्प भी, क्योंकि पल्प से हम बनाएंगे क्लिंजर और जूस से हम बनाएंगे अपना फेस पैक, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के लिए हो जाएगा बहुत ही अच्छा और हमारी स्किन दिखाने लगेगी जवां और खूबसूरत। आप इसको अगर डेली करेंगे ना तो आपकी स्किन 10 साल तक जवां हो जाएगी। और आप चाहें तो पैक को आप सोचोगे रोज कौन इतना झंझट करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फेस पैक को एक बार बना लीजिए और 3-4 दिन के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अभी इस जूस को उठा के हम साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें इसके स्टार्च चाहिए, इस जूस का हमें स्टार्च चाहिए। तो हम 15 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देंगे, जब तक हम अपना क्लिंजर बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना क्लिंजर बनाएंगे। क्लिंजर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें आलू का पल्प लेना है। आलू का पल्प लेके इसमें हमें थोड़ा सा रॉ मिल्क ऐड करना है। दोस्तों, मिल्क के फ़ायदे तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें होता है लैक्टिक एसिड जो हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क डाल लेंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्लिंजर रेडी हो चुका है और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फेस को गीला करना है, उसके बाद इस क्लिंजर को अपने फेस पे लगाकर 3-4 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, ताकि आपकी स्किन पोटैटो के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके और आपकी स्किन हो जाए ग्लोई और रेडिएंट। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद टॉवल से पैट ड्राई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है हमारे फेस पैक बनाने की। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लिंजर तो आपने देख लिया कैसे बनता है, अब मैं आपको बताऊंगी हमारा फेस पैक कैसे बनेगा। पोटैटो के स्टार्च को अलग कर लेना है,
तो दोस्तों ये रहा पोटैटो का स्टार्च, हमें पोटैटो का जूस नहीं चाहिए, हमें उसका स्टार्च चाहिए। तो हमें स्टार्च मिल चुका है, उसके बाद हमें अगला इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है राइस फ्लार। राइस फ्लार यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा हम कैसे बनाएंगे? या तो आप मार्केट से ला सकते हैं, अगर आप मार्केट से नहीं लाना चाहते तो आप क्या करें, आप लीजिए राइस को, तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, आपका चावल का आटा रेडी हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी यही किया है, चावल को ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और मेरा चावल का आटा रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चावल का जो आटा होता है, चावल का आटा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को एजिंग से प्रिवेंट करते हैं, हमारी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं, हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं और हमारी स्किन ब्राइटनिंग को प्रमोट करते हैं। जितनी भी यूवी रेज का डैमेज होता है हमारी स्किन पे, उसको भी ये रिड्यूस करते हैं। तो इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून राइस फ्लार। अब जो तीसरी चीज़ हमें डालनी है वो है हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है और हमारी स्किन को लाइट करता है, वाइट करता है, ब्राइटन करता है और नेचुरल मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है। तो यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून हनी लेंगे। अब जो फोर्थ इंग्रेडिएंट हमें लेना है वो है मुल्तानी मिट्टी। दोस्तों मुल्तानी मिट्टी के तो फ़ायदे आप सबको ही पता है क्या होते हैं। हम यहाँ पे लेंगे 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को डीप क्लींस करती है, हमारी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जितनी भी डर्ट होती है सबको दूर करती है, हमारी जो स्किन पर टैनिंग हो जाती है उसको भी दूर करती है, उसको ट्रीट करती है, पिगमेंटेशन को ट्रीट करती है, हमारी स्किन को इवन करती है और स्किन टोन को भी लाइट करती है। तो इसमें हमने डालनी है मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद हमें इसमें डालना है जो बचा हुआ हमारा पोटैटो जूस था, वो हम इसमें डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो अपने फेस पैक में लेमन का यूज़ ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे उनकी स्किन पे रेड रैशेज आ सकते हैं, तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं इसको। हाउ टू अप्लाई, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अपने फेस पे अपने उंगलियों की हेल्प से या फिर आप ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। 20 मिनट्स अपने फेस पे इसको लगा रहने दें, उसके बाद आपको कोल्ड वाटर से इसको वॉश कर लीजिए। आप विद इन 7 डेज यू विल सी द क्लियर रिजल्ट। आई बेट यू दोस्तों आपको 7 डेज में आपके स्किन पे क्लियर डिफरेंस दिखने लग जाएगा। ठीक है, आपके जो डार्क स्पॉट है वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, आपकी स्किन टाइट होने लग जाएगी। इस रेमेडी को 5 डेज तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन लूज हो गई है तो ये फेस पैक आपकी स्किन को टाइट कर देगा, फाइन लाइंस को दूर कर देगा, सैकी स्किन को टाइट कर देगा। तो दोस्तों आपका क्लींजर और आपका फेस पैक बनके रेडी हो चुके हैं। आप इनको लगाइए 7 डेज तक और आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं प्लीज़ उनका मुझे फीडबैक दीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको इस फेस पैक से क्या रिज़ल्ट मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ ब्यूटी पार्लर।